साथ आपकी होस्ट महनूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम आए एक नया सवाल लेके जिससे हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सवालात तो आपको पता है हमारा एक बहाना होता है लोगों से बात करने का, ताकि हम आपको एंटरटेन कर सकें और वो भी एंटरटेन हो सके और मैं भी एंटरटेन हो सकूँ। तो चलिए आज का सवाल बता देती हूँ कि टोरंटो एक सिटी है, टोरंटो के मिड में क्या आता है? आपने सोचना है घर बैठ के शाम की चाय को एंजॉय करना है और साथ साथ सवाल का जवाब भी ढूंढना है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नूर अली। आप? हबीबुल्ला। क्या करते हैं? वो पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास? वो बैटरक। और आप? पढ़ता हूँ। आप पढ़ते हैं? आज तो आप माशाल्लाह पाकिस्तानी झंडे ही लग रहे हैं। इतना अच्छा कलर पहना हुआ है जी। मुझे बताएं कि कहाँ से ताल्लुक है आपका? पठान लग रहे हैं आप। हम पाकिस्तान से ही है। पाकिस्तान से ही है? कहाँ से? रावी चौक पुराना पुल। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारा सवाल है आज का के टोरंटो के मिड में क्या आता है? टोरंटो एक शहर है, उसके मिड में क्या आता है? अच्छा मुझे बताएं क्या टैलेंट है आप दोनों के अंदर? शायरी आती है? सुनाए ना। सुनाए। ट्रेन पटरियों पे चलती है, रास पे नहीं। शादी तुमसे करूंगा, तेरे बाप से नहीं। वाह क्या बात है। तो किसने कहा है कि बाप से करनी है शादी? वो मैंने अपने टैलेंट के मुताबिक बोला है आपको। टैलेंट माशाल्लाह काफी अच्छा टैलेंट है। आप मुझे बताएं आप क्या सुनाएंगे? गाना आता है? कुछ भी नहीं आता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस हम आगे बढ़ते हैं और लोग से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? माय नेम इज अबीहा। आपका? महनूर। महनूर कौन सी क्लास में? महनूर नाइन्थ। आप? नाइन्थ। नाइन्थ में। दोनों फ्रेंड्स हैं या कजन्स हैं? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हैं। पेरेंट्स के साथ आए हैं? अपने अपने फैमिली फैमिली के साथ आए हैं। चलिए मुझे बताएं कि आप दोनों के लाइफ के गोल्स क्या है, क्या अचीव करना चाहती हैं बड़े होकर? माय एम इज आई एम बिकम अ क्रिकेटर। आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर। अच्छा, और आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं आप? चलें आप जो है वो आगे जाएं। आप क्रिकेटर क्यों बनना चाहते हैं? दिस इज माय एम। अच्छा, ये एम है आपका? अच्छा चलें, सही है। वैसे आपको क्रिकेट देखना पसंद है? यस। कौन सा क्रिकेटर आपको अच्छा लगता है? नसीम शाह। नसीम शाह क्यों अच्छा लगता है आपको? आजकल तो बड़ी धुलाई हो रही है क्रिकेटर्स की। हाँ जी। हमारा सवाल है, मुझे बताएं कि टोरंटो एक सिटी है, उसके मिड में क्या आता है? आई डोंट नो। रोन। क्या टैलेंट है आप दोनों के अंदर? कुछ सुना सकती हैं? कुछ शेर व शायरी आती हो, गाना आता हो, स्पीच आती हो, एनीथिंग? नथिंग। आपको? बस शर्माना आता है लगता है मुझे, ना महनूर बस शर्माती रहती है। मेरा नाम भी महनूर है। पर आप तो नहीं शर्माती? क्योंकि मैं बचपन से नहीं शर्माती, मेरे अंदर बचपन से ही बड़ा कॉन्फिडेंस है। चले थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, थैंक यू। रोज़ आपने देखा कि कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बचपन से डेवलप हो जाता है। पता नहीं मेरे अंदर शायद बचपन से ही बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैं हर जगह डांस करने लग जाती थी। जब भी आंटियाँ मुझे कहती थी ना बेटा आओ थोड़ा सा डांस करके दिखाओ, तो मैं वहाँ नाचने लग जाती थी और मुझे ज़रा शर्म नहीं आती थी कि मैं भी थोड़ी शर्म खा लूँ कि नहीं आंटी नहीं नहीं मत मुझे मत करवाएं। तो ये मेरे साथ बचपन से ही होता आ रहा है। खैर आप बड़े होकर थोड़े समझदार हो गए, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नकीबुल्ला। आपका? अरसलान। दोनों की आँखें कितना खूबसूरत है, दोनों पठान लग रहा है। पश्तो आती है? तेज आती है। मुझसे पूछो तुम्हारा क्या हाल है? करंग वाले से संगे चल रहे। संगे? तुमने अलग बोला है, तुमने अलग बोला है। हमारा एक ही जुबान है ना। एक ही जुबान है। अच्छा ठीक है, दोनों का ताल्लुक कहाँ से? पेशावर से। पेशावर जी। तुम तो टॉम क्रूज लग रहे हो। नहीं नहीं तुम कुछ और लग रहे हो, तुम्हारी शक्ल किसी ना हॉलीवुड के हीरो से मिल रही है। बाल भी कटाए हुए तुमने। अच्छा मुझे बताओ कि दोनों पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास? एट क्लास। आप? सिक्स। लाहौर में ही रहते हो? जी लाहौर में रहते हैं। लाहौर में रहते हैं, किस इलाके में? ये रावी चौक में। आप भी? शमलपुरा लाहौर। तो दोनों लड़के अभी छोटे हो, घर से इजाजत लेकर आए हो? जी। किससे? माँ बाप से। कोई बड़ा आया है साथ आप लोगों के? नीचे है। अच्छा नीचे है, चलो ठीक है। आज वैसे घूमने फिरने आए हो कि शॉपिंग के लिए आए हो? घूमने फिरने आए हो। घूमने फिरने आए हो। चलो सवाल है हमारा, मुझे बताओ टोरंटो एक सिटी है, उसके मिड में क्या आता है? क्या आता है बताओ?
लगाना था कोई सुनाओ ना थोड़ा सा, शर्मा क्यों रहे हो? तुम शर्मा रहे हो, अजीब सी बात है, पठान तो नहीं शर्माता। शर्माता ये गाना नहीं आता कोई। क्या थोड़ा सा गा लो, हमारी आवाज़ें आ रही थी कोई बदोबदी की। मुझे नहीं आता गाना, नहीं आता मुझे। क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। कोई शेर आता है तुम्हें? आता है कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलना आता है? जी तेज तेज। कच्चा पापड़ पका पापड़ कच्चा पापड़ पका पापड़ कच्चा पापड़ पका पापड़ कच्चा पापड़ पका पापड़ कच्चा पापड़ पका पापड़। तुमने तो बोल लिया जबरदस्त। तुम बोलो कच्चा पपीता पका पपीता। 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 कर लिया तुमने जबरदस्त। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा तुमने उनसे बात करके। थैंक यू व्यूअर्स, आपने देखा बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। थोड़ा सा शर्मा रहे थे लेकिन कोई बात नहीं, शर्माना चाहिए, शर्म भी एक अच्छी चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम? मोहम्मद अस्लम। तुम्हारा क्या नाम? लारेब। अच्छा मुझे बताएं लारेब, आप क्या करती हैं? पढ़ती हैं? यस। स्कूल जाती हैं? जी। कौन सी क्लास में? 3। छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं? छुट्टियाँ हुई नहीं, पेपर स्टार्ट हो गए हैं। छुट्टियाँ गर्मियों की अभी शुरू नहीं हुई? हो गई हैं। नहीं हुई भाई, मुझे कोई बताएगा छुट्टियाँ हो गई हैं गर्मियों की? कौन से स्कूल जाते हैं हम? उनको कोई मसला है कि उन्होंने छुट्टियाँ नहीं दी? प्राइवेट है ना इसीलिए। प्राइवेट में भी छुट्टियाँ हो जाती हैं ना, समर वेकेशंस हो जाती हैं। नहीं मगर हमारे अभी पेपर स्टार्ट हुए हैं। चले मर्जी है फिर उनकी, अगर इनके स्कूल वाले इनको छुट्टियाँ दे दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो छुट्टियाँ होनी कब है कि होनी ही नहीं है? होनी है लेकिन कब होनी है? अभी पेपर ख़त्म होने वाले हैं इसीलिए फिर हो रहे हैं अभी। जी कौन सा पेपर है कल? हमारा कंप्यूटर है कल। और आज आप घूमने के लिए आ गए? जी। तैयारी हो गई है? यस। अम्मा ने कहा नहीं कि बेटा पहले तैयारी करो फिर घूमने लेके जाओ? तैयारी करके आए हैं। आपकी भी? जी। अरे आपका कल पेपर है? जी। चले सवाल है, मुझे बताएं कि टोरंटो एक सिटी है, उसके मिड में क्या आता है? टोरंटो एक सिटी है, मुझे बताएं कि ईद आने वाली है, कुछ शॉपिंग कर ली आप? जी अपने बकरे ले लिए? बकरे अभी लेने हैं। लेने हैं बकरे? बकरों से आप लोग प्यार करते हैं? आप मुझे लगता है लारिफ को बहुत अच्छे लगते होंगे बकरे। जी। है ना, डर लगते हैं उनसे? नहीं लगता। देखा यही बात होती है जब आप बकरों के साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, फिर कुर्बानी जो है ना अल्लाह ताला को यही वाली कुर्बानी चाहिए आपकी। आप दोनों को सुना सकते हैं? कोई आती है लारे? आपको आती है तिलावत? आती है जी आती है। आपको नात आती है? चले ना आप तिलावत सुना दें, हम नात सुना दें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सब्ज़े गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना जब वक्त निज़ा आए आका दीदारे अता करना ए नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना या दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना ए पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना रोशन मेरी गुरबती को लिल्ला हजरा करना जब वक्त निज़ा आए आका दीदारे अता करना। चलें जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आज हमारा सवाल थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा ज़रा लोगों की इन्फॉर्मेशन और कॉमन सेंस का अंदाज़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुदा। आपका? हराम। आपका? राम। कौन सी क्लास में हैं आप? प्रेप ग्रीन। और आप? 3B। और आप? 3B। अच्छा आज क्या करने आए हैं मॉल? हम लोग शॉपिंग करने आए हैं। अच्छा ईद की शॉपिंग? यस। ये नाइस, मुझे बताएं कि तीनों ने बकरा ले लिया है कि नहीं लिया? नहीं नहीं लिया। ओ हाय, फिर कब? घर पे ले रहे हैं। घर
पे लेकर आएंगे? हम लोगों ने काऊ ली है। काऊ ली है? वाह, तो मुझे बताएं काऊ तो इतनी बड़ी होती है, उससे डर नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं। तो बकरे लेने, बच्चों को तो बकरे बड़े पसंद होते हैं। बकरे लेने हैं। लेने अभी आगे थोड़ा सा और एक दो दिन तक लें। यस। चले मुझे ये बताइए कि आप तीनों बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? टीचर। राब? एयरप्लेन का पेंटर बनना चाहते हैं। पायलट। पायलट, ओके पायलट। और आप? डॉक्टर। डॉक्टर। ये आपको पढ़ाती तो नहीं रहती हैं टीचर बन के? गेम्स कौन कौन सी खेलते हैं आप लोग, फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं? यस। कहाँ क्या गेम्स खेलते हैं, पार्क में जाके खेलते हैं? नहीं। फिर क्या खेलते हैं हम लोग? हाइड एंड सीक। ओके। और ओनो कार्ड्स। अच्छा। और हम लोग टीचर टीचर भी खेलते हैं। टीचर टीचर भी खेलते हैं। सयाम क्या खेलता है, क्रिकेट आते ही खेलें आप? नहीं, लेकिन मैं फुटबॉल खेलती हूं। फुटबॉल पसंद है। अच्छा, थोड़ा सा इधर आ जाए आप। क्या आपको मेरे से डर तो नहीं लग रहा? नहीं। आपको मैं बैग में डाल के ले जाऊं? नहीं, मैं अक्सर बच्चों को बैग में डाल के ले जाती हूं। नहीं लेके जाऊं? आपकी अम्मा से इजाज़त लेके ले जाऊं? नहीं। ये बच्चे को बड़े होकर याद होगा कि मुझे ना आंटी मिली थी, उन्होंने कहा था मैं आपको बैग में डाल के ले जाऊंगी। मामा भी आपको डराएंगी कि वो आंटी बैग में डाल के ले जाएंगी। चले मुझे बताएं, हमारा सवाल है आप बच्चों से, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी चार टांगे होती है लेकिन वो चल नहीं सकती? टेबल। 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 देखा मामा ने हेल्प कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं। चेयर। हाँ बिल्कुल सही जवाब हो गया। चले आप तीनों बताएं क्या सुनाएंगी? गुल्लू वाला। क्या सुनाएंगी? गुल्लू वाला। गुल्लू वाला। आप बेटा इधर आए, आप उधर क्यों भाग रहे हैं, मैं आपको नहीं लेके जाती। चले इधर, अब इधर से हिलना नहीं आपने। चले पकड़े। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। चलें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, जवाब भी दे दिया और तलावत भी कर दी। इनकी मदर ने मुझे बताया कि ज़याम आपका बर्थडे है। Yes. चलें ठीक है, फिर मिलके इनको बर्थडे विश कर दें। Yes. चलें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ज़याम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हमने कहा व्यूअर्स, ज़रा बच्चे का बर्थडे था तो उसको बर्थडे भी विश कर दें और इस तरह के अच्छे अच्छे अगले साल और जवानी तक देखते रहें और बुढ़ापे तक देखते रहें, लेकिन सेहत वाली ज़िंदगी मिले इन्हें। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम? काजी। शहरयार। शहरयार क्या कर? गारमेंट्स का काम है। शहरयार इतने वज़ार क्यों लग रहे हैं आज? गर्मी लग रही है? नहीं, 2 घंटे को इधर घूम रहे हैं बस। जी बताएँ कि आज घूमने के लिए आए हैं मॉल? जी घूमने आए। दोनों क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ ये गारमेंट्स का। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ICS फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। दोनों लाहौर से ताल्लुक है आप दोनों का? नहीं, डेरा गाजी, पीछे से डेरा गाजी खान। पीछे से डेरा गाजी खान से ताल्लुक है। मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जिसकी चार टांगे होती हैं लेकिन वो चल नहीं सकता? चार टांगे? चारपाई। चारपाई, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चारपाई हो सकती है, टेबल हो सकती है, चेयर हो सकती है। अच्छा चले मुझे बताएं कि आप दोनों कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई सॉन्ग वगैरह? ये सुना देगा आपको शेर। दिल तो क्या चीज़ है, हम तो रूहों में परवाज करते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। वाह वाह वाह, अगले की गलती थी। नहीं ऐसे शायर इस शेर में कहना चाहता है कि तुम्हारी ही गलती थी, तुमने ही सही नहीं चाहा, है ना जी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू व्यूअर्स। यहाँ पे वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना पूछो तो जीतो, स्टे विद अस। वापस इस वक्त हमें मॉल में। आज के दो सवाल मैं आपको बता देती हूँ कि टोरंटो के मिड में क्या आता है, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी चार टांगें होती हैं लेकिन वो चल नहीं सकती है। आइए बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम? शुएब। आपका? रेहान। कौन सी क्लास? 10th। सेकेंड ईयर। क्या करना है आगे जाके, शादी या पढ़ाई? शादी करने का इरादा।
शरारती लग रहे हो तुम। पढ़ेगा कौन? पढ़ लिया फिर जितना पढ़ना आगे फिर शादी करनी है। शादी कर लेंगे बाद। तो वो जो आएगी तो उसके खर्चे नहीं उठाने? उठाएं घर वाले उठाएं। हम सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, वो आएगी वो खर्चे उठाएगी। वो तो सारा दिन उसने सारी जिंदगी घर में काम किया, उसको उठा के हमारे खर्चे उठाने चाहिए। वो नौकरी करे? वो नौकरी करेगी। और आपका क्या इरादे हैं? शादी करनी है बस। शादी करनी है। कैसी लड़की चाहिए? जैसी भी मिल जाए, अच्छी हो, सांस चलती हो। सांस चलती है, ठीक है, चलिए, जिंदा होनी चाहिए। हाँ जी। और काम भी वो करेगी? काम भी सारी बात करके उसने करना है। वो बेचारी लड़कियां औरतें ही करेंगी काम, आपने क्यों करना है? आपने सोफे पे बैठ के रिमोट देख के टीवी देखना है? इंज दे मुंडिया नु ना लोकी कुड़ी नहीं देंदे। लब लांगे फिर कोई होंज लब लब गई पिंड दी लब्बेगी ना? ना असि लब लांगे, घर वाले हैं ना, ढूंढ के देंगे। कहां से हैं आप? लाहौर से ताल्लुक है? लाहौर से। आपका इधर से? इधर से। बकरे ले लिए? नहीं अभी लेने गए थे, आज मिला ही कोई नहीं। आज रात को क्या रेट चल रहा है वैसे बकरों का? बहुत आई है, हम एक दफा मैंने भी व्यूअर्स जाना है बकरा मंडी में, सोच रही हूँ देखूँ जाके रेट क्या है, जरा शो करें जाके वहाँ पर। सवाल करती भी जाती हूँ कि वो क्या चीज़ है जिसकी चार टांगें होती हैं लेकिन वो चल नहीं सकती? घर जाके ढूंढ सर्च करना पड़ना गूगल पे। कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है? नहीं। चार टांगों वाली क्या चीज़ होती है? हो सकता है तुम्हारे आमने सामने ही पड़ी हुई है। हाँ लेकिन चल नहीं सकती। देखो कहीं चलती हुई नजर आ रही है चार टांगों वाली चीज? चार टांगों वाली चीज रेडी हो सकती है, बल्कि वो तो चलती है। चलती है, चलती है। हाँ तो नहीं समझ नहीं आ रहा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कोई गाना शाना तो नहीं सुनाएंगे ना? नहीं, आता ही नहीं गाना। आता ही नहीं। बहुत शुक्रिया। चलें व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं और लोग से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? महाज़। महाज़ खान। महाज़ पेशावर से है, माश खान नाम है। माश खान? माश खान, एम डबल ए। अच्छा, मुआज खान? माश खान। ठीक है, आप मुझे बताएं कि पेशावर से आए हैं आप? मैं पेशावर से। पेशावर से आए हैं, तो आज क्या करने आए हैं मॉल? वैसे हम भी आए थे, ये भाई लोगों ने बहुत तारीफ किए थे और हम बोले कि हम भी शॉपिंग वगैरह हम करेंगे। लाहौर के लोग अच्छे लगे? माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। कपड़ों का स्टाइल आपने बड़ा डिफरेंट पहना। ये बस तो हमारे जो हडा के स्माइल हेल का डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन डिजाइन किसी डिज़ाइनर से डिज़ाइन किया हुआ लगता है ये ड्रेस। हाँ, और हम दो तीन शायर वगैरह पश्तो में सुनाए कि ताकि हमारे पठान भाई उसको समझ आए। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। मुझे अच्छा मुझे बताएं, उर्दू में भी बताएंगे हमें? उर्दू में भी बताएंगे और पश्तो में भी। पश्तो में भी बताएंगे, फिर हमारे सवाल का जवाब देंगे आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें दे, हमारे पश्तो एक शायर गनी खान नाम है, वो कह रहे कि स्पिन बचवी ची तूर तीन जुदाशी पद तूर खुद स्पिन खन पैदाशी और जूर द तूर रतल रा मालूम शी परंजू ची तूर स्तर की दाशनाशी और द खाइस सिंगार यो पद व सिवाशी स्पिन जनीला ची तूर खालू नराशी और तूर अस्पुग में स्पिन स्पिन और रस के राना निकली तूर अशपच पे खुरशी नू रनाशी और तूर विश्ता अजल में तोब और पेगल तोब दे स्पिन चिराशी जवानीला पशाशी। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये उर्दू में दो तीन लाइन के दलवंग वने पाने दे गुलशा और जबसोले तदरजमा एक कह रहे के लवंग के पौधे या पेड़ तेरे शाह हरी भरी हो जाए फिर मैं आऊँगा तेरे शाह नीचे बैठने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बात तो सुन लें, बात तो सुन लें, अपनी सुनाई और चले गए हैं, बस इतना ही करना है आपने। मुझे बताएं कि शॉपिंग की है मॉल में? हाँ इंशाल्लाह, अभी तो शॉपिंग नहीं की है इंशाल्लाह। क्या करते क्या हैं आप? ये हम जूते वगैरह लेने, कपड़े वगैरह लेने। आप काम क्या करता है? हमारे इधर मसल परचून का दुकान है वगैरह। परचून की दुकान है? अच्छा ठीक है, तो चीज़ें वगैरह सस्ती हुई हैं या चीज़ों में माशाल्लाह कोई फ़र्क वगैरह आए? फ़र्क वगैरह आ गया। अच्छा मुझे बताएं, सवाल है हमारा आज का, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी चार टांगें होती हैं लेकिन वो चलती नहीं है? चीज़ों तो चार टांगे होते हैं वो चलती नहीं, बूढ़ा और औरत तो नहीं है? बूढ़ी औरत की चार टांगे होती हैं? नहीं, चल नहीं सकती। चार टांगे भी होती हैं लेकिन चल नहीं सकती। और सवाल करो, और सवाल करो, और सवाल करूं, ये इसका जवाब नहीं आता? नहीं, इसका सवाल जवाब नहीं आता है। चले मुझे ये बताएं कि गाना गा लेते हैं आप? गाना मुझे आते हैं। गाना आता है? गाना सुनाए ना फिर। हाँ, पश्तो उर्दू? पश्तो भी सुना दे, उर्दू भी सुना दे, माइक पकड़ ले। यार तख में खाली ली दल रंग दे जड़ में गोरची बी खिदर पसे रंग दे
خر چخ پلا بادشاہی واڑی بادشاہ دے خر چاخ پل کچکول نیولے دے ملنگ دے رمی گورچی بی خیدر پسے ڑنگ دے. ابھی ہم دو تین شعر اردو میں تاکہ ہمارا ایک دوست ہے کہ اس کو بھی اچھی سی سمجھ آئی. کہ ایسے بھی تھے کچھ حالات دل سے چھپائی دل کی بات, شام و سحر کا نام نہ تھا ایسے بھی دیکھے دن و رات, عشق کے بازی کیا کرے سوچ سمجھ کر گائے مات, حسن کے تیور کیا کہنے ہر لحظہ ایک تازہ بات, دل تو ہے تو ہم مجبور دل کی لاش برائے ہاتھ. یہ لو میڈم. بہت شکریہ. تھینک یو. ویورز, بس ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں سنا کے چلے جاتے ہیں. چل دیے, ہم نے اپنی سنائی اور ہم چل دیے. آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام؟ علی حیدر. کیا کرتے ہو علی؟ اسٹڈی کرتا ہوں. کیا پڑھے ہو؟ 9. یہیں سے لاہور سے آئے ہو؟ جی. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی آج مال کیسے آنا ہوا؟ جیسے دل کرے. بکرے لے لیے ہیں؟ لے لیا. کتنے؟ ایک لیا. ایک لیا. کتنے کا ملا ہے؟ 35-40 ہزار کا. مل گیا. کدھروں لیتا ہے؟ میں نے بھی لے دو. چلے مجھے بتائیں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن وہ چلتی نہیں ہیں. وہ چار پائی. بالکل صحیح جواب. آپ بتائیں, کچھ سنائیں گے؟ کچھ بھی نہیں. شعر و شاعری آتی ہے؟ تھوڑی بہت آتی ہے. کیوں چھوڑا؟ ویسے کوئی وجہ ہوتی ہے چھوڑنے کی؟ ویسے کچھ مجبوری بھی آ جاتی ہیں یا کوئی کام بھی پڑ جاتے ہیں بیچ میں. شعر و شاعری چھوڑی ہے مجبوری کے تحت؟ یہ بھی ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ویورز, مجبوری کے تحت بہت ساری چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیا نام ہے؟ میرا نام صفنات. 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 کیا میننگ ہے اس کا؟ اس کا میننگ ہے بادشاہ. بادشاہ ہیں بھی آپ؟ بالکل. بادشاہ جیسا دل ہے مہربان. بالکل. بہت ٹھیک ہے. چلے مجھے یہ بتائیں کہ آج کیا کرنے آئے ہیں مال؟ آج ویسے میرا لاسٹ ڈے ہے یہاں پر, میں پڑھتا ہوں. ہالی ڈے اسٹارٹ ہو گئے تو آج آخری دن تھا تو ہم نے بولا باہر تھوڑی آؤٹنگ کر. کہاں جا رہے ہیں؟ گاؤں؟ نہیں, میں کراچی سے. میں کراچی سے. ارے کراچی سے. اچھا, لوگ جو ہے نا وہ بس عید قریب آ جاتی ہے تو اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے گاؤں میں چلے جاتے ہیں. تو عید وہاں کرنی ہے؟ جی عید وہاں کرنی ہے. بکرے وغیرہ لینے ہیں وہیں سے؟ نہیں, بیسیکلی میں کرسچن ہوں. اچھا کرسچن ہے. چلیں گے, بڑی اچھی بات ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گولس کیا ہیں لائف کے, کیا کرنا چاہتے ہیں آگے؟ ابھی تو اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آگے جو خدا کی مرضی ہے, گاڈ نوز دا پلان اہیڈ. یہ تو اچھی بات ہے. مجھے بتائیں کہ آپ بھی میری بہت ایسی میری ایک جاننے والی ہیں جو ہماری کرسچن فرینڈ ہیں. ہاں جی. وہ ہمارے ساتھ ہماری عید سیلیبریٹ کرتی ہیں. تو جب آپ کا کوئی ایونٹ آتا ہے تو آپ کے کرتے ہیں فرینڈ سیلیبریٹ آپ کے ساتھ؟ بالکل, کیوں نہیں. ہمارے ساتھ میرے بہت اچھے دوست ہیں کیونکہ میں ہمیشہ مسلمس کے ساتھ ہی پڑھاؤں. میرے بہت اچھے دوست ہیں تو ہم جب بھی ہمارا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے ہم ساتھ میں سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. آپ مجھے بتائیں, ہمارا سوال ہے آج کا, وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتی؟ چار ٹانگیں ہوتی ہیں بٹ چل نہیں سکتی. ہم ٹیبل. بالکل صحیح جواب دیا. اور آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہو جو آپ سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں؟ ٹیلنٹ تو بہت ہیں بٹ میں میوزیشین ہوں. اچھا, گانا گا سکتے ہیں؟ نہیں, میوزیشین. میوزیشین. ویسے میوزیشین سنگرز بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. سنگرز, سنگر ہے میرا دوست ہے تو ہم, میں خالی پلے کرتا ہوں گٹار تبلہ ڈھولک وغیرہ. ہے آپ کے پاس ابھی گٹار؟ نہیں, گٹار گھر پہ. گھر پہ. چلیں ٹھیک ہے. کیسے جانا ہے کراچی, بائی ٹرین یا بائی ایئر؟ نہیں, بائی ٹرین جائیں گے. بائی ٹرین جائیں گے. ٹرین کا سفر بڑا اچھا ہوتا ہے. بالکل. مطلب دوست آپ کے نا چیزیں لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سائیکل پہ جائے گا. کتنے دن میں پہنچے گا؟ نہیں, ویسے جیٹ پہ جاتا ہوں, ہمارے پاس پرائیویٹ جیٹ. پرائیویٹ جیٹ ہے؟ ارے کیا بات ہے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. ویورز, ہم آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ مرزا شاہ جہاں. کیا کرتے ہیں اتنا لمبا نام سے آپ؟ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں. کھیتی باڑی کرتے ہیں, زبردست. یہ تو بڑی محنت والا کام ہے. جی بالکل جی. گرمی ہو سردی ہو, صبح صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ 5 بجے جی. 5 بجے پڑھ کر نماز پڑھتے ہیں. کل میرا خیال ہے کہ گندم لگ رہی ہے. نہیں 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 جی, مونج لگ رہی ہے. ہاں مونج, مونج. ہاں جی. ہوتی کیا ہے ویسے؟ چاول وغیرہ. چاول لگ رہی ہے. اچھا, اور گاجریں بھی؟ نہیں نہیں, گاجریں نہیں لگ رہی. گاجریں کس موسم میں لگتی ہیں؟ وہ سردی میں لگتی ہیں. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خواتین بھی وہاں کام کرتی ہیں. تو بڑا محنت والا کام ہے, ان کی مزدوری کم نہیں ہوتی ہے؟ نہیں نہیں, کرنا تو پڑتا ہی ہے نا, محنت تو کرنا ہی ہے. ان کی مزدوری کیا دیتے ہیں انہیں خواتین؟ 1000 روپیہ. اچھا, ایک دن کا؟ ایک دن کا 1000 روپیہ. سارا دن کتنا کام کرنا ہوتا ہے؟ صبح تو لے جاتے 5 بجے تک. صبح سے لے کے شام 5 بجے؟ شام 5 بجے تک. ٹھیک ہے. تو کتنے قلعے پہ کام کرنا ہوتا ہے؟ کتنے قلعے مزید کر لو, 20 کر لو, 10 پہ کر لو, 15 سے کر لو.
हम तो कर रहे हैं 20-25 किस किले में कर। हाँ जी। गांव कौन सा आप? मंडी अहमदाबाद जी। मंडी अहमदाबाद कहाँ करके आता है ये जी? पट्टी पे लगता है, तपालपुर जिला बकाड़ा। काड़ा वाली साइड पे जिला काड़ा लगता है। चले मुझे बताएं आज कैसे आना हुआ शॉपिंग? वैसे इतने चुन फिरना है साहब। घुमन फिरना है? घुमन है। तो मैंने ये दसो कि इतने खूबसूरती हैगी? जी बिल्कुल है। कौन खूबसूरत है, मुंडे खूबसूरत ने कि कुड़ियां खूबसूरत ने? कुड़ियां खूबसूरत ने। कुड़ियां खूबसूरत ने। तो ताड़ा ब्याह हो गया? नहीं, ब्याह दो शादियां हुई ने, उन लोगों ने धोखा दिया मुझे। की किया उन्होंने? बस वो मेरे माँ प्यो का एहतराम नहीं करती। एहतराम नहीं करती तो क्या ख्याल वैसे रखती थी? नहीं, ख्याल भी नहीं रखती थी, बस मेरे ख्याल रखती थी। तो उसका काम भी आप ही का ख्याल रखना था? नहीं नहीं, माँ प्यो का ख्याल रखना चाहिए। वो आपने रखना है। आप उनके, मेरी बात सुने, मैं आपको समझाती हूँ। जो बहू आती है ना, तो अगर तो वो आपका ख्याल रखती है ना, आपसे मोहब्बत करती है, आपका प्यार, आपसे प्यार करती है, आपकी चीज़ों का ख्याल रख रही है, उसका इतना ही काम है। चीज़ों का भी ख्याल नहीं करती हूँ। मेरी मामा, मेरी मम्मी सारा कुछ, मेरे कपड़े भी धोंदी थी मेरी मम्मी, मेरी जुतियाँ भी मेरी मम्मी कपड़े धोंदी थी, सारा कुछ मेरी मम्मी करती थी। उन्हें सुबह 11 बजे उठना होता है। अच्छा, तो वो दोनों तलाक हो गई? तलाक हो गई। तो अब तीसरी शादी करनी? जी सर। कैसी लड़की चाहिए आप? मैं अपने रिश्तेदार और चाचू की दी के साथ शादी करनी। चाचू की दी है ओदे नाल करनी है? चलो है तो बड़ी चंगी गल है। सवाल है मेरा आज का, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी चार टांगे होती हैं लेकिन वो चल नहीं सकती? नहीं मालूम। नहीं मालूम। कोई गाना गाना चाहेंगे? नहीं जी। कोई शेर सुनाना चाहेंगे? फुल चाहे खाड़े तो कह समझाए, मन चाहे साढ़े तो। क्या बात है, ज़बरदस्त। अल्लाह आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब करे। ठीक है, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और लोग उस बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला। क्या करते हैं अब्दुल्ला? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या गोल्स हैं आपकी लाइफ के, क्या करना चाहते हैं? मैम मेरा गोल है वैसे तो पब्लिक सर्विस, वैसे मेरा गोल है कि मैंने पुलिस में जाना है, पुलिस बनना है। मुझे तुम्हारी ना शक्ल से अंदाज़ा हो रहा था कि तुम कहोगे कि मैंने पुलिस में जाना है। अच्छा चलें, एक अच्छी बात है कि पुलिस में जाना चाहिए, आवाम की खिदमत करेंगे। यस। सवाल है हमारे आज का, वो क्या चीज़ है जिसकी चार टांगे होती है लेकिन वो चलती नहीं है? कुर्सी। तो सही जवाब दिया है। कोई और पैगाम देना चाहती है? पैगाम मैम यही है कि एक शेर है मेरा कि जिससे कर ले ज़्यादा वफा वो इंसान को बेफजूल समझने लग जाता है। बस हाँ, वैसे ये तो है, जिससे आप ज़्यादा वफा करते हैं ना वो आपको समझता ही नहीं है। अभी ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि एक यानी कि है कोई लाइफ में, तो उसके साथ वफा कर रहे हैं और वो हमें दगा दे रही है। हाय, बड़े दुखी लग रहे हो तुम। मेरी बात सुनो, ए उम्र नहीं हैगी, पढ़ लो। अब पीछे हो गए हैं आप, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई की तरफ हो गए। आप देखिए, जब आप कामयाब होते हैं ना, यही आपका रिवेंज होता है। मेरे साधा ने आपका बदला होता है जब आप कामयाब हो जाते हैं। मेरे साधा ने मैं एक बताई थी बात कि ये 4 साल है ना, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल पढ़ लो टका के, और आप जब कुछ हासिल करोगे ना तो ये बच्ची आपके पीछे होंगी, अभी इनके पीछे ना जाएं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आप देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। आ चुके हैं वापस और इर्द गिर्द लोगों का रश है। आपको पता है ईद भी आने वाली है, बकरा ईद आने वाली है, तो लोगों ने बकरे भी लेना शुरू कर दिए और मेरा बहुत दिल है कि हम एक शो वहाँ जाके ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोनों बच्चों का? मेरा नाम मुनीब है। आपका? हसनैन है। हसनैन और मुनीब कौन सी क्लास में? मैं 4 में। और आप? 5। क्या आप चाहते हैं बड़े होकर, आप क्या बने? मैं पायलट। और आप? बिजनेसमैन। चलें सही है। सवाल है, मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसकी चार टांगे होती हैं लेकिन वो चल नहीं सकती? टेबल। बिल्कुल सही जवाब। टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे, आपने बोला है कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तेज तेज। 5 दफा। क्या? कच्चा पापड़ पक्का पापड़ हो गया है। चलें कुछ सुनाएंगे आप? तिलावत सुना दें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. थैंक यू सो मच. थैंक यू. व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हाय अस्सलाम. क्या नाम है आप तीनों का? इजाज. अदनान. उस्मान गुजर. माशाल्लाह. फैसलाबाद से लग रहे हैं आप तीनों. शकरगढ़. स्पेशल शकरगढ़. स्पेशल शकरगढ़ से. शकरगढ़ से बदनाम करना है. अच्छा. नहीं ऐसे नहीं करना. आपका जो शहर होता है ना वो बड़ी आप इज्जत वाली बात होती है जिस शहर से आप होते हैं. करते क्या हैं आप तीनों गबरू जवान करते क्या? जी हम काम करते हैं. मैं हॉस्पिटल में होता हूँ. मैं दरअसल पढ़ने जाता हूँ. मुझे बताएं कि आप तीनों जो है वो शादी हो गई है तीनों? नहीं नहीं सिंगल या अभी ढूंढ रहे हैं मगर अभी तक कोई मिल नहीं रही. क्यों नहीं मिल रही? हमारी शक्ल देख के कोई पसंद ही नहीं करता. आपकी शक्लें माशाल्लाह अच्छी शक्लें हैं. कहाँ अच्छी है. अगर अच्छी होता तो इतनी प्यारी है कि चेहरे ब्लैक हो गया. आप बताएं. कोई नहीं मिलती. करनी भी नहीं है शादी? नहीं करनी है. कोई मिलेगी तो करेंगे. मुझे बताएं मेरा आखिरी सवाल आप तीनों मर्दों से कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी चार टांगे होती हैं लेकिन वो चल नहीं सकती? चल नहीं सकती. क्या आप दोनों तीनों के अंदर टैलेंट है? कोई भी टैलेंट. गाना गा लेते हैं तीनों में से? गाना गा लेते हैं आप? नहीं गाना. नहीं आपने. इस तो डाडा दुख ना कोई. इस तो डाडा दुख ना कोई. प्यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े. अच्छा बहुत शुक्रिया आप तीनों के वक्त का. आप तीनों आए आपने हमें इंटरव्यू दिया. अगर आप हमें इंटरव्यू ना देते तो शायद हमारा शो बंद हो जाता. थैंक यू आपका. आपने हमारा इंटरव्यू सो मच. आपने टाइम निकाल के हमारा इंटरव्यू लिया. सो मच. करवा दे तो फिर अच्छी. माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके. चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है लाहौर न्यूज़. तो जी तो हमारे शो का नाम है. ज़रूर आपने देखना है. कभी कभी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए इंटरव्यू करना लेकिन जाहिर है हमारा काम है आपको एंटरटेन करना. तो इसी तरह हम प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहेंगे. आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है? मोहम्मद आर्यन. क्या करते हैं? ऑर्डर टेकर. ऑर्डर टेकर हैं. अच्छा मुझे बताएं कि आपकी एज क्या है? 17 साल. छोटे हैं अभी. आप अभी से काम करते हैं? जी. चलें लाहौर से ताल्लुक है? जी अलहमदिल्ला. ईद के लिए होगी या शॉपिंग? नहीं अभी तो नहीं. पानी करनी है? जी अलहमदिल्ला. चलें बहुत माशाल्लाह. मुझे बताएं बकरे ले लिए? नहीं अभी. पता किया है कि बकरों का रेट क्या चल रहा है? पापा मैं ये सब नहीं देखता होता. पापा करते हैं. ये एक अच्छी बात है. सवाल है हमारा वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी चार टांगे होती है लेकिन वो चल नहीं सकती? नो आइडिया. क्या टैलेंट है आपके अंदर जो आप दिखाना चाहें सुनाना चाहें? जो बोल देंगे वो सुना देंगे आपको. चलें मैंने सवाल पूछा आपने जवाब ही नहीं दिया. नहीं पता मुझे. पढ़ाई क्या की हुई आपने? मैंने 5th class से छोड़ दिया था. 5th class से छोड़ दिया था? क्यों छोड़ा? वैसे ही दिल नहीं लगा पढ़ाई में. अब आप दिल चाहता है कि काश पढ़ लिया होता. तो फिर उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ लिया करो. माँ बाप को तंग ना किया करो. मैंने किया है मुझे पता चल रहा है इस टाइम पढ़ाई क्या चीज़ है. पर इंशाल्लाह मैं अकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ. बिल्कुल बहुत अच्छी बात. वेल डन. आप पढ़ाई करनी है कोशिश करो कि कम अज़ कम इंटर कर लो. जी इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं. आइए मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम? अब्दुल्ला लतीफ. क्या करते हो? मैं म्यूजिशियन. म्यूजिशियन है. गाना भी गा लेते हैं सिंगिंग कर लेते हैं? मैं 3 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ लाहौर में. सियालकोट से आया हूँ. सियालकोट से आए हैं जी. आर्टिस्ट हूँ म्यूजिकल आर्ट. मैंने आपसे फिर गाना सुन लें. जी बिल्कुल सुनाए. काश तू मेरे हक में होता बन के यकीन शक में होता पर ऐसा हुआ नहीं. तू है मिलो दूर कहीं तेरे संग पल दो पल जो हंसना जो चाह तो रुला के गया इश्क तेरा. रुला के गया इश्क तेरा के माने नहीं दिल ये मेरा कैसे चुप मैं कराऊं मैं. रुला के गया इश्क तेरा. रुला के गया इश्क तेरा
के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं मैं दिल का दरिया बह ही गया। राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा, बात बिगड़ी। अब ना वैसे मैं तो ज़ाहिर है कोई सजेशन नहीं दे सकती हूँ आपको, अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जी जी इंशाल्लाह थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे फिर प्लेटफॉर्म की तरफ आपने जाना है, पहले एफर्ट करनी है फिर प्लेटफॉर्म मिलेगा। सवाल कर लेती हूँ आपसे, मुझे बताएं वो हम आपकी कॉमन सेंस भी टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा हंस भी लें मुस्कुरा भी लें ताकि इस चीज़ से बाहर आएँ। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी चार टांगें होती हैं लेकिन वो चल नहीं सकती? चार टांगें होती हैं लेकिन वो चल नहीं सकती। क्या उम्र है आपकी? 20। अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी स्ट्रगल करें, पढ़ाई करें, साथ साथ ये काम करें और आगे आपको इंशाल्लाह मौका मिल जाए। बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ मेरी हुई है मीटिंग्स लेकिन कोई प्रमोट नहीं करता। अपने करती रहें, अपने ट्रैक्स रिलीज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्ट करता हूँ अपने गानों पर। अभी रिसेंटली मैंने रिलीज़ किया है, वो मैंने लिखा भी खुद ही है, कंपोज भी खुद ही किया है। इंशाल्लाह मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है? थैंक यू। यूज़ असल में होता है कि हम इस एज में ना बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, हमें होता है बस जल्दी जल्दी हमें फल मिल जाए, तो मेहनत का फल और सब्र का फल बहुत अच्छे से मिलता है लेकिन थोड़े से टाइम से मिलता है। हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मलाइका एहसान। क्या करती हैं मलाइका? घर में ही होती हैं। अच्छा मलाइका मुझे बताएं आज क्या करने आई हुई है मॉल शॉपिंग के लिए? ओनली विंडो शॉपिंग और इन्जॉयमेंट, थोड़ी सी इन्जॉयमेंट। ईद की तैयारी हो गई है? शुक्र है अल्लाह का। चलिए मुझे बताएं कि और ज़िंदगी में आप क्या करना चाहती हैं? पढ़ाई कर रही हैं? नहीं, कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएटेड हूँ। अब इसके बाद अम्मा अब्बा चाहते हैं शादी हो जाए, शादी करना चाहती हैं? नहीं। तो नहीं चाहती हैं आप? शौक नहीं, मतलब शादी शौक के लिए थोड़ी ना करते हैं, शादी तो सुन्नत है ना। मकसद वगैरह नहीं इस चीज़ का, इतना एम नहीं है कोई। जॉब करना चाहती हैं? जॉब। चलें जॉब भी करें लेकिन आगे शादी तो इंशाल्लाह करनी है। हमारे यहाँ आप जैसी बड़ी प्यारी खवातीन हैं जो कि टाइम गुजार देती हैं, और हमारे पाकिस्तानियों का मसला भी है कि वो बड़ी उम्र की लड़कियों से या कोई ज़्यादा कोई मसला उनसे शादियाँ नहीं करते हैं, हालाँकि ये सब नहीं होना चाहिए। चले कोई बात नहीं, अल्लाह आपके नसीब भी अच्छे करेंगे। आप मुझे बताएं आपसे हम कॉमन सेंस आपकी टेस्ट करते हैं, आपसे सवाल है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी चार टांगें होती हैं लेकिन वो चल नहीं सकती? चार टांगें होती हैं लेकिन चल नहीं सकती, कुर्सी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब। चले आपसे टंग ट्विस्टर भी करवाते हैं, आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता, इससे बोलें ज़रा पाँच। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। होने लगा था। मुझे बताएं कि कोई टैलेंट है आपके अंदर, कोई गाना गा सकती हैं? नहीं गाना नहीं। शेर व शायरी का शौक है? नहीं कुछ भी नहीं। शौक क्या है आपको, क्या हॉबीज हैं आपकी? स्टडी की है ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अम्मी के साथ आई हैं? नहीं किसके साथ? मामी। अच्छा चलें बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिर हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? हसन मुनीर। क्या करते हैं हसन? मैं मेडिकल में हूँ। क्या करते हैं? जिन्ना हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा जिन्ना हॉस्पिटल में। अच्छा मुझे बताएं कि क्या लाइफ के गोल्स हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं? लाइफ का ये गोल है कि ताकि अपना कारोबार होना चाहिए, अपने ही कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपना बिजनेस होना चाहिए। चलें ये एक अच्छी बात है, आप गोल जब सेट कर लेंगे तो वो इंशाल्लाह अचीव भी हो जाएगा इंशाल्लाह। आज आप मॉल क्या करने आए हैं? आज मॉल में अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए आया हूँ। बकरा ईद की तैयारी हो गई है? हाँ जी उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसकी तैयारी कर, बकरे ले लिए? बकरे ले लिए, गांव में जाके ईद करनी है गांव में। अच्छा ये वैसे बड़ा मजे का सीन होता है, जिन लोगों के गांव होते हैं ना वो एक अलग ही खुशी होती है। कौन सा गाँव है आपका? गाँव का मेरा लोधरा। मैं तो उनका सोचती हूँ जिनके गाँव जो है वो मरी नथिया गली और पहाड़ी इलाकों में है, मज़ा ही आ जाएगा गर्मियों में वहाँ जाके ईद करें, है ना? हाँ जी वो तो खूबसूरत इलाके नहीं तो जहाँ से, हमारा तो मुल्तान का शहर है ना, इतना शदीद गर्मी नहीं इतनी भी गर्मी नहीं है वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा इलाका। आम शाम भिजवाएं आप लोगों ने कि नहीं? आम अभी तो आए हुए हैं ना, तो फिर भिजवाएंगे जब आएंगे तो। सही बोलते हैं ना, दोस्तियाँ ज़रा पक्की कर लें आप मुल्तान के लोगों से जब गर्मियाँ आ जाएँ, इंशाल्लाह पक्की होंगी। ठीक है सवाल है हमारा, वो क्या चीज़ है जिसकी चार टांगें होती हैं लेकिन वो चल नहीं सकती? जिसकी चार टांगें होती हैं चल नहीं सकता, नहीं पता। मैसेज देना चाहते हैं? नहीं कोई भी मैसेज नहीं। बहुत शुक्रिया आपकी वक्त का। थैंक यू।
व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो इन्जॉय किया होगा। आज का हमारा जो सवाल था, कुछ इंटरव्यूज़ में हमने एक सवाल किया था कि टोरंटो एक सिटी है जो कि मिड में क्या आता है। वैसे टोरंटो कनाडा की सिटी है, उस टोरंटो के मिड में ओ आता है, ये भी कॉमन सेंस का सवाल था। दूसरा फिर हमने सवाल किया, क्योंकि मुझे लग रहा था ये बहुत मुश्किल सवाल है, लोगों को आ नहीं पा रहा, तो दूसरा सवाल हमारा ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी चार टांगें होती है लेकिन वो चल नहीं सकती, तो उसमें चारपाई है, चेयर है, टेबल है, ये इसका जवाब था। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। मैं हाज़िर होंगी अगले एपिसोड में। बूझो तो जीतो आपने देखना नहीं भूलना जुमेरात से बाद शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और हमें भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, हमारा इंस्टाग्राम है बूझो तो जीतो। मैं हाज़िर होंगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।